नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम वेन डायग्राम सीखेंगे और इसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन और बहुत डाउट होता है, लेकिन आज आपका सारा डाउट क्लियर करके जाएंगे, सारा कन्फ्यूजन दूर करेंगे। एक्चुअल में वेन डायग्राम बेसिक से उठ करके और हाई लेवल तक किस तरीके से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। एक्चुअल में आजकल के जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे हैं जो एक्चुअल जो आंसर है वो ऑप्शन में ही नहीं है। और मेरी क्लास डेली 8:30 बजे होती है, लेकिन अगर टाइमिंग मिल जाती है मुझे तो मैं पहले भी टाइम ले लेता हूँ। आपको पता है, मैंने आपको बता रखा कि डेली 8:30 बजे होगी, वो तो फिक्स टाइम है। बट अगर सुनील जहांगीर सर की क्लास 10 बजे होती है, किसी दिन नहीं हुई तो मैं लंबी खींचूंगा। 7 बजे आदित्य रंजन सर की क्लास होती है, किसी दिन नहीं हुई तो मैं पहले ही आ जाया करूंगा। इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और बच्चे डेली सुबह 9 बजे वर्षा मैडम की क्लास होती है, सुबह 9 बजे। अगर आपको जीएस स्ट्रॉन्ग करनी है तो साइंस स्ट्रॉन्ग करनी होगी, और साइंस बिल्कुल डेप्थ लेवल कंसेप्ट वाइज इनका कंटेंट एक बार आप 7 क्लासेस लगातार कंटेंट देखो इनका, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए रही हैं। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 18 और 19 के लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो सारे कवर कर रही हैं। आपको साइंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी इनकी क्लास अटेंड करने के बाद। और उसी तरीके से शाम को 7 बजे आदित्य रंजन सर बड़े बेहतरीन तरीके से आपको पूरा मैथ्स पढ़ा रहे हैं। एक बार वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक पे क्लिक कर दो। और रात को 10 बजे सुनील जहांगीर सर, रात को 10 बजे डेली क्लास लेते हैं। आदित्य रंजन सर इतनी डिटेल में आपको सिखा रहे हैं मैथ्स, आपका मैथ्स का फोबिया खत्म हो जाएगा। और उसी तरीके से बिल्कुल बेसिक से हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट है उनको भी इंग्लिश आ जाएगी इनकी क्लास में, डेली लाइव रहा करो। तो आज हम वेन डायग्राम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बच्चे, मेरा नया बैच जो है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे शुरू हुआ है। प्ले स्टोर से आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करो। 24 मई को बैच है, बिल्कुल लेटेस्ट बैच है, और जिसमें एसएससी, बैंक, यूपीएसआई, यूपीएससी सारे एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, और इतनी कम फीस में। मेरी फीस जो है वो 2-2.5 हज़ार ही रहती है, बट अभी आप लोगों के लिए ये ऑफर है, बहुत कम फीस में ये कंप्लीट रीजनिंग आपको करवाई जाएगी। वेन डायग्राम का पहला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो, बताओ क्या होगा। उसके बाद एक बार आप जवाब दो ताकि आपका लेवल पता चल जाए, फिर हम डिटेल में इसको आपको सिखाएंगे। गुड इवनिंग दीपू सिंह, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग मनराज। पजल करवाऊं, पजल भी करवाऊंगा जल्दी से, पजल भी करवाऊंगा बच्चे। सब बच्चों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया यार, कमाल है, इतनी बार बोलना पड़ेगा क्या? पजल करवाऊंगा एसएस चौधरी, करवाऊंगा। सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास देख लो अगर पजल सीखनी है तो, क्योंकि पहला दिमाग दिमाग को एक्टिव तो करो। मैंने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा रखा है, सिटिंग अरेंजमेंट जरूर देख लेना ताकि पजल थोड़ा सा आसान लगने लग जाए आपको। चलो, सी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। देखो बच्चे, साक बोला उसने, उसके बाद वेल बोला, उसके बाद कछुआ बोला। देखो, साक, वेल, कछुआ, तीनों चीज अलग अलग है, और क्या क्या बदलाव करता है वो भी सीखेंगे। हो सकता है एग्जाम में बदल करके आ जाए तो क्या बदलाव कर सकता है वो भी सीखेंगे हम। देखो, वेन डायग्राम को करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। तीन टाइप के वेन डायग्राम होते हैं, एक तो कंप्लीटली डिपेंडेंट, पूर्ण रूप से निर्भर। एक टाइप का जो वेन डायग्राम होता है वो होता है कंप्लीटली डिपेंडेंट, पूर्ण रूप से निर्भर। मान लो कोई एक है वो दूसरे पे पूरा डिपेंड करता है, एक वर्ड दूसरे वर्ड पे पूरा डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड मेटल है, सोना एक धातु है, और सोना एक धातु है, साग क्या होता है बताऊंगा, सोना एक धातु है, तो सोना कंप्लीटली डिपेंडेंट है धातु पे, गोल्ड मेटल। उसी तरीके से गोल्ड मेटल पे डिपेंड करता है। मान लो नॉन मेटल कार्बन, ए धातु और कार्बन दे रखा है, ए धातु और कार्बन दे रखा है, तो कार्बन कंप्लीटली डिपेंडेंट है नॉन मेटल पे, तो कार्बन अंदर वाला हो जाएगा, नॉन मेटल बाहर वाला हो जाएगा, कार्बन अंदर वाला, नॉन मेटल बाहर वाला। जैसे वाटर लिक्विड दे रखा है, वाटर लिक्विड दे रखा है, वाटर जो है लिक्विड दे रखा है, पानी जो है तरल है, पानी जो है तरल है। ये एक टाइप का वेन डायग्राम। दूसरा टाइप का वेन डायग्राम होता है
कुछ प्रतिशत निर्भर। एक बार मैं बेसिक नॉलेज दे दूं ताकि ये क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो, बड़े अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूं। एक बार पहले कंप्लीटली नॉलेज ले लो एक बार, ठीक है। कुछ प्रतिशत निर्भर यानी कि ये जो एरिया है ये इस सर्कल में भी आया और इस सर्कल में भी आया, ये एरिया दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। यानी कि कुछ ऐसे हैं जो इस एरिया में भी आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इस एरिया में भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर राइटर, टीचर राइटर, अध्यापक और लेखक, अध्यापक और लेखक, अध्यापक जो है लेखक भी हो सकता है, लेखक जो है अध्यापक भी हो सकता है। तो ये टीचर बन गया और ये राइटर बन गया, ये पोर्शन वो बच गया जो दोनों है, जो दोनों है वो पोर्शन के लिए बीच में बच गया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अकेले टीचर हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अकेले राइटर हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों भी हैं। जैसे मैं मेरा एग्जांपल लूं, टीचर भी हूं राइटर भी हूं, तो दोनों एग्जांपल ले लिया। एक और आ जाता, मान लो एक और आ जाता साथ में, मान लो कोई भी एक और प्रोफेशन आ जाता, इंजीनियर भी लिख देता, इंजीनियर भी लिख देता, ईआर लिख देता हूं, इंजीनियर भी लिख देता, तो एक और सर्कल आ जाता ऐसा, एक और सर्कल आ जाता ऐसा, वो इंजीनियर भी साथ में आ जाते, यानी कि कुछ प्रतिशत निर्भर। क्लियर है? तीसरा जो टाइप, तीन ही टाइप के वेन डायग्राम होते हैं, तीसरा जो टाइप होता है वो बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग। अब कुछ जगह आपको कंफ्यूजन कब होगा मैं बताता हूं, बिल्कुल अलग अलग। जैसे गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर, नो डाउट ये दोनों के दोनों धातु हैं, लेकिन आपस में तो अलग हैं, आपस में तो अलग हैं। गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी दोनों धातु हैं बट आपस में अलग हैं, ठीक है। सोना और चांदी आपस में अलग है। उसी तरीके से मेटल नॉन मेटल धातु है, धातु दोनों अलग अलग हैं। उसी तरीके से टी कॉफी चाय कॉफी दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो यानी कि दोनों अलग अलग के भी एग्जांपल बनते हैं। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। साक जो है एक मछली का नाम है, वेल, एक सेकेंड, साक फिश, वेल फिश भी बोल देता, तब भी ये आपस में तो अलग है, इसके साथ साथ, इसके साथ साथ और क्या बदलाव हो सकता है वो आप समझो, बदलाव क्या क्या हो सकता है। तीनों अलग हैं, तीनों अलग हैं, नो डाउट, सिंपल सा फंडा, तीनों अलग हैं। साक एक अलग है, मछली है, वेल मछली नहीं है, वेल इज नॉट ए फिश, वेल मैमल्स की कैटेगरी में आती है, एनिमल्स की कैटेगरी में आती है। तो दीपू सिंह साग क्या होता है, साग एक मछली का नाम है, कछुआ, कछुआ भी अलग है। अब इसके साथ मान लो एक और वर्ड यूज कर देता, एक और वर्ड यूज कर देता, एनिमल, एनिमल वर्ड यूज कर देता। अब कंफ्यूजन ये होता है जिसको ये नहीं पता कि वेल फिश है ही नहीं, वेल मछली होती ही नहीं, वेल मछली होती ही नहीं, तो वो पता क्या सोचता, साक अलग, वेल अलग, टर्टल अलग, और एनिमल जो है पशु जो है वो अलग, वो ऐसे बनाता। जबकि वेल एनिमल की कैटेगरी में आता, तो एक सर्कल दूसरे सर्कल पे पूर्ण रूप से डिपेंड होता। ये क्लियर हुआ कि अगर बदल देता है तो क्या होगा, बदलाव भी सीखेंगे। तो अभी तो इसमें आंसर सी होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब कौन देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। ब्लू आइड नीली आंखें फीमेल डॉक्टर, जल्दी से कौन जवाब देगा भाई। बताओ जल्दी से बताओ, अब आंसर बताओ भाई, कौन जल्दी जवाब देगा। देखो सिंपल सा फंडा है, नीली आंखें तो भाई किसी की भी हो सकती हैं, महिलाओं की भी हो सकती हैं, पुरुषों की भी हो सकती हैं, है ना। तो नीली आंखें तो किसी की भी हो सकती हैं, यानी कि कुछ महिलाओं की नीली आंखें हो सकती हैं। पहले हमेशा दो के बारे में बनाया करो और उन दो के बारे में बनाया करो, उन दो के बारे में बनाया करो जिनके बारे में आप श्योर हो, और फिर ऑप्शन सेलेक्ट किया करो। ऐसा कुछ प्रतिशत हिस्सा किस किस ऑप्शन में, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ए ऑप्शन तो गया, कुछ प्रतिशत हिस्सा इसमें है, इसमें है और इसमें है, ठीक। उसके बाद नीली आंखें महिलाओं की भी हो सकती हैं और महिला डॉक्टर भी हो सकती है,
महिला डॉक्टर भी हो सकती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको अभी समझाते वक्त कि कुछ टीचर राइटर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ पोर्शन तीनों का भी आ सकता है। तो सिंपल सा फंडा है, कुछ पोर्शन तीनों का भी आ सकता है। तो नीली आंखें महिलाओं की होती हैं और महिला जो है डॉक्टर भी हो सकते हैं, और डॉक्टर की आंखें भी नीली हो सकती हैं, यानी कि कुछ प्रतिशत हिस्सा जाएगा। ये ब्लू आइड पर्सन हो गया, ये ब्लू आइड यानी कि नीली आंखें हो गया, ये आप डॉक्टर मान लो डॉक्टर हो गया, ये फीमेल हो गया। ये वो हैं जो महिला हैं और नीली आंखें हैं। ये पोर्शन अकेली महिलाओं का है, ना तो उनकी नीली आंखें और ना वो डॉक्टर। ये पोर्शन अकेली ब्लू आइड पर्सन का है, ना तो महिलाएं ना वो डॉक्टर मतलब पुरुषों का है। ये पोर्शन अकेले डॉक्टर का है, ये पोर्शन तीनों का है, ये पोर्शन तीनों का है, मतलब एक ऐसी महिला जो डॉक्टर भी है और नीली आंखें भी हैं उसकी, मतलब एक अच्छी सुंदर महिला। चलो तो डी होगा, मजाक कर रहा हूं, नीली आंखें वाले सारे सुंदर थोड़ी ना होते हैं। आ जाओ, मक्खा हो, नहीं होगा ये मक्खी होगा, इंसेक्ट फ्लाइज डॉग, कीड़े मक्खी, मक्खी हो गए। ठीक, कीड़े मक्खी कुत्ता, कुत्ता तो अलग है, कुत्ता तो अलग चला गया, और जब कुत्ता अलग चला गया तो वो पोर्शन तो सेलेक्ट सोचो जिसमें अलग नहीं दे रखा, जैसे इसमें कोई भी अलग नहीं दे रखा तो ये पोर्शन तो गया। ऑप्शन गलत भी सेलेक्ट करने आने चाहिए, ठीक है। अब मक्खी जो है कीड़े इंसेक्ट्स में आती हैं, फ्लाइज मॉस्किटोज मक्खी मच्छर ये सब इंसेक्ट्स में आते हैं, कीड़े मकोड़ों में आते हैं, कीड़े में आते हैं, तो मक्खी जो है कीड़े में आती है और कुत्ता अलग हो गया। ठीक, तो कुत्ता अलग हो गया, तो बी इज द राइट आंसर, सबका बी बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, आज 2 घंटे में पूरा वेन डायग्राम स्ट्रोंग करके जाना आप लोगों को, और वेन डायग्राम में कुछ ऐसे पोर्शन क्वेश्चन भी आते हैं जो मैं बीच में बताऊंगा किस किस तरीके से बदलाव होता है। कन्हैया, राधिका, पवन, एमडी, मनोज, राज, हाई फाई क्लास, बेस्ट सॉन्ग्स, देवी, अरविंदा, यादव, रवीना, कन्हैया कुमार, ये सारे बच्चों का जवाब सही है, रवीना का गलत है, राज पांडे का गलत है। आ जाओ, गोरिया चिड़िया चुईया। ठीक, तो भाई स्पैरो जो है वो बर्ड्स में आते हैं, स्पैरो बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, स्पैरो जो है बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, और यहाँ चिड़िया नहीं होगा, यहाँ पक्षी होगा, यहाँ पक्षी होगा, और मतलब गोरिया की जगह पक्षी वर्ड होगा। ठीक है, इसको कट करके पक्षी वर्ड कर देता हूँ, बर्ड्स दे रखा है तो पक्षी होगा। ठीक, तो चिड़िया जो है पक्षी होते हैं, ठीक, चुया अलग होती है, चुया अलग होती है, बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, सही जवाब, चलो बहुत बढ़िया। लाइक द सेशन, सेशन को लाइक करते जाओ ताकि मैं पढ़ाई पे कंसंट्रेट करूं, आप लाइक और शेयर पे कंसंट्रेट करो, मजा इसी में है। मैं तुम्हें इंस्पेक्टर बनाऊं तो मुझे सपोर्ट करते जाओ बस। माउंटेन्स फॉरेस्ट अर्थ, पर्वत जंगल धरती, सिंपल सी बात है दोनों धरती में तो आएंगे ही आएंगे, फॉरेस्ट भी धरती में होते हैं, पर्वत भी धरती में होते हैं, दोनों धरती में तो आएंगे ही आएंगे। अब दोनों धरती में आएंगे तो एक बड़ा पोर्शन तो बनेगा ही बनेगा, एक बड़ा पोर्शन तो बनेगा ही बनेगा, दोनों अंदर आएंगे, तो दोनों अंदर आएंगे तो ये तो गया और ये तो गया, दोनों अंदर आएंगे। अब फॉरेस्ट और माउंटेन्स में, पर्वत और जंगल में, पर्वत और जंगल में, ठीक है। अब सिंपल सा फंडा है, पर्वत जंगल से अलग होगा और जंगल पर्वत से अलग होगा या कुछ प्रतिशत निर्भर होगा। देखो भाई, जंगल नॉर्मल धरती पे भी होते हैं, जंगल पर्वतों में भी होते हैं, जंगल दोनों जगह होते हैं, है ना। फॉरेस्ट जो है वो पर्वतों में भी होते हैं, सिंपल सा है, तो दोनों जगह होते हैं तो कुछ प्रतिशत हिस्सा चलेगा।
और कुछ प्रतिशत हिस्सा चलेगा, तो बी इज द राइट आंसर। कई बच्चे ये सोच रहे थे पर्वत अलग है फॉरेस्ट अलग है, दोनों अलग अलग हैं तो ए होगा, बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप गलत कर दोगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट बताओ, चलो जल्दी से भाई जल्दी से बताओ। सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, ये जब पार्टिसिपेट आप करते हो ना, उस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा, दो ही तो काम होंगे। गलत हो जाएगा तो सीखने को मिलेगा, सही हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। चलो एसएससी वाले इंस्पेक्टर बनते हैं भाई, अलग अलग जीएसटी इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, आपके ये जो हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अलग अलग पोस्ट होती हैं, पोस्ट बहुत सारी होती हैं, असिस्टेंट की भी पोस्ट होती हैं, क्लर्क भी बनते हैं। देखो वकील शिक्षक शिक्षित, लॉयर टीचर एजुकेटेड। अब लॉयर टीचर हो सकता है नहीं भी हो सकता, लॉयर जो है टीचर भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, टीचर तो कोई भी बन सकता है, तो लॉयर जो है वो टीचर भी हो सकता है, लॉयर जो है वो टीचर भी हो सकता है। अब कोई वकील बन गया, अनपढ़ तो वकील बन नहीं सकता, और कोई अध्यापक बन गया तो अनपढ़ तो अध्यापक बन नहीं सकता। टीचर है तो इट मींस एजुकेटेड तो है, टीचर है तो एजुकेटेड तो है, तो यानी कि 100% तो जाएगा ही जाएगा, ठीक 100% तो जाएगा ही जाएगा, एजुकेटेड यहां आ जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अब एक चीज देखते ना, अगर आप एजुकेटेड ना पढ़ करके भी लॉयर और टीचर के बारे में भी सोचते, तो ये ऑप्शन तो गया और डी ऑप्शन तो गया, है ना। ए और सी में से ही तो निकालना पड़ता। हमेशा वेन डायग्राम में पहले दो ऑप्शन गलत करने की सोचो, ताकि अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो और बिल्कुल कुछ ना समझ में आए, तो एटलीस्ट दो में से तो एक सेलेक्ट करके आओ। चार में से ना पता तो चार में से कभी भी एक सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अगर चार में से दो कंफर्म हो गए कि नहीं पता, कि ये तो नहीं होंगे, आंसर नहीं पता बट ये नहीं होंगे, तब आप उसमें से एक अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, डॉग एनिमल पेट्स, पालतू जानवर, कुत्ता पशु पालतू जानवर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डॉग एनिमल पेट्स, दो आंसर बनते हैं कई बार और दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होता है, दो आंसर बनते हैं कई बार दोनों में से कोई एक आंसर होता है। देखो एनिमल के अंदर तो दोनों ही होंगे, एनिमल के अंदर तो दोनों ही होंगे, क्योंकि कुत्ता भी एक जानवर है और पालतू जानवर भी जानवर होते हैं, कुत्ता भी एक जानवर और पालतू जानवर भी जानवर में आएंगे, तो पशु तो का तो एक बड़ा बनेगा ही बनेगा, पशु का एक बड़ा बनेगा ही बनेगा, ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। दो आंसर कैसे आते हैं वो बताता हूं, ठीक है, ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। अब कुत्ता जो है पालतू जानवर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कुत्ता पालतू हो भी सकता नहीं भी हो सकता, दो टाइप के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ते एक आवारा कुत्ते, आवारा कुत्ते गलियों में घूमते रहते हैं, एक पालतू कुत्ते जिनको पाला जाता है ना। कुत्तों के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो सिंपल सी बात है, तो कुत्ता जो है पालतू भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो सी इज द राइट आंसर। अब सुनो, लिख लो, नोट्स बना लो और यहां लिख लो, आंसर यही है, बट इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, बट इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है। एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन में पूछा गया बुक रैक और लाइब्रेरी, बुक रैक और लाइब्रेरी, क्या आपको लगता है कि सारी बुक लाइब्रेरी में रखी है, नहीं, आपके पास भी तो रखी है, मेरे पास भी तो रखी है, बुक शॉप पे भी तो रखी है, बाजार में भी तो रखी है, दुकानों में भी तो रखी है, सारी बुक्स लाइब्रेरी में नहीं रखी, लेकिन उसके बाद भी आंसर में सारी बुक्स को लाइब्रेरी में माना गया था। क्यों माना गया था वो लॉजिक बताऊंगा, क्यों माना गया था, तो कोई डिफरेंट अगर आंसर आता है तो क्यों कैसे क्या सोच के आंसर दिया जाता है वो हम सीखेंगे। ठीक सर, मेरा जवाब नहीं देता है आप, सर मेरे को स्टडी मटेरियल समझ नहीं आ रहा, 24 में के बैच का।
अच्छा स्टडी मटेरियल समझ में नहीं आ रहा। स्टडी मटेरियल तो जितना अपलोड हुआ है वो डाउनलोड कर लो, और नया जो स्टडी मटेरियल है वो चैप्टर वाइज अपलोड होता जाएगा, चैप्टर वाइज होता जाएगा। एक्चुअल में कोई बैच नया शुरू होता है ना, तो शुरू में ही बहुत सारा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, ठीक है। तो वो अभी आपके काम का नहीं है, क्योंकि बैच अभी शुरू ही हुआ, ताजा ताजा। जब आधे से ज्यादा बैच हो जाएगा तब वो काम का है। तब तक जो टॉपिक वाइज अपलोड हो रही हैं सिर्फ उनको डाउनलोड करो, टॉपिक वाइज जो अपलोड हो रही है, जो टॉपिक खत्म हो रहा है उसके क्लास नोट्स और उसकी प्रैक्टिस शीट बस, ठीक है। चलो आदित्य रंजन सर की कल क्लास होगी, कल 7 बजे क्लास होगी। चलो सर अभी 12th क्लास खत्म हुआ, मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए SSC के लिए? देखो अब सिंपल सा फंडा है, ये लिख लेना दिस इज नॉट इन ऑप्शन। बताता हूँ बच्चे आपके आपके जवाब कमेंट का जवाब कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा, लिख लिया ना अपनी कॉपी में इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, तो सुनो। देखो बच्चे पशुओं की एक कैटेगरी होती है, एक जंगली पशु वाइल्ड एनिमल, एक पालतू पशु पेट्स, दो कैटेगरी डिवाइड कर रही है, एक जंगली जानवर और एक पालतू पशु, ठीक है। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग डॉग को पालतू पशुओं की कैटेगरी में माना गया है। डॉग्स इज ए पेट, डॉग इज नॉट ए वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर नहीं है। कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी गाय भैंस जिन भी पशुओं को पाला जाता है वो सारे पशु पालतू पशुओं की कैटेगरी में होते हैं, और वो सारे पशु पालतू कट और सारे पशु पालतू पशुओं की कैटेगरी में होते हैं। तो कुत्ते को पेट्स की कैटेगरी में रखा गया, वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में नहीं रखा। भेड़िया शेर चीता लोमड़ी ये सब जंगली जानवरों की कैटेगरी में आते हैं, ये सारे जंगली जानवरों की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए अगर ये ऑप्शन में नहीं है, इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, मैं लिख देता हूं आपके लिए इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, तब कुत्ते को अगर ये ऑप्शन से हटा दो तो आंसर क्या बनेगा? कुत्ते को पेट की कैटेगरी में रखना और पेट को एनिमल की कैटेगरी में रखना। मैं आपको ओवरऑल दिमाग तेज करना चाहता हूं, SSC क्लियर करने के लिए 50 में से 50 लाने के लिए, या UPSI या किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, रीजनिंग में ना केवल क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए बल्कि रीजनिंग में आपकी ओवरऑल लॉजिकल दिमाग तेज होना चाहिए। कि मान लो ये ऑप्शन से हटा दे तो फिर क्या जाएगा, तो फिर ये जाएगा। अब कईयों के माइंड में ये आता है, जो मेरे से मुखर्जी नगर पढ़ते थे ऑफलाइन क्लास में, तो वो मेरे से पूछा करते थे, वो मेरे से पूछा करते थे कि सर ठीक है मान लिया आपने, ऐसे तो दुबई में कुछ बिजनेसमैन शेर को पालते हैं चित्ता को पालते हैं, भाई वो उनका शौक है, वो पालते हैं तो ऐसे नहीं पालते कि घर में डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं और नीचे शेर घूम रहा है, किचन में गए और शेर घूम रहा है और शेर से बातें चल रही है ना, ऐसे नहीं पाला जाता, उसको पिंजरे में ही पाला जाता है शौक के तौर पे। तो शेर को हम पालतू पशुओं की कैटेगरी में नहीं रख सकते कि वो अपने शौक के तौर पे पाल ले, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है नेक्स्ट। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, आज एक टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। ये लेकर के भी मैं इसलिए लेकर के आया ताकि आपको ये बता सकूं कि कल की क्लास में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। सूर्य चंद्रमा तारे बताओ भाई, सूर्य चंद्रमा तारे, सन मून स्टार्स, सन मून स्टार, सन इज ए स्टार, सूर्य एक तारा है, आपको चौथी पांचवी क्लास में पढ़ा दिया गया था, ठीक है। सूर्य एक तारा है, सन इज ए स्टार, तो सूर्य एक तारा है, सन इज ए स्टार, ठीक। मून एक सैटेलाइट है, चंद्रमा एक उपग्रह है, सैटेलाइट है यानी कि चंद्रमा तारा नहीं है, अलग। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। एक बच्चे ने पूछा था कि सर बेसिक से कैसे तैयारी करूं, अभी 12th करनी है, बिल्कुल स्टार्टिंग से कौन कौन जानना चाह रहा है कि कैसे तैयारी करूं। जिसको कुछ नहीं पता, तो बच्चे कंप्लीट नॉलेज लेनी होती है अगर आपको तैयारी के रास्ते पे चलना है। बच्चे पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, बस पढ़ते ही रहते हैं पढ़ते रहते हैं। तो आप जाना रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो, उसके बाद आप जाना
जो आपकी चैनल दिखाई देगी, इस चैनल पे आप जाना प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट पे जब आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में देखो ये कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, इसको तो देख ही लेना। एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, प्लेलिस्ट बता देता हूं, मोस्ट व्यूड वीडियोज, मोस्ट व्यूड वीडियोज। इस प्लेलिस्ट में, इस प्लेलिस्ट में देखो आदित्य रंजन सर की वीडियो है सीजीएल 2019 का, हाउ टू क्रैक सीएचएसएल, सीएचएसएल कैसे करें, सीजीएल 60 दिन की स्ट्रेटजी है। इसमें आपको दो वीडियो जरूर देखनी है, एक तो ये वीडियो देखनी है कम समय में सबसे ज्यादा कैसे स्कोर करें, जिसमें मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझाया है कम स्कोर में सबसे ज्यादा कैसे स्कोर करें, और दूसरा ये वीडियो देखनी है कि लास्ट 30 डेज, एक सेकेंड रुक, हाउ टू क्रैक सीजीएल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ये दो वीडियो जरूर देखनी है, चाहे आपका सीएचएसएल टारगेट हो चाहे सीजीएल टारगेट हो, इन दो वीडियो को देख लेना, कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है, आ जाओ। मानव शिक्षक ग्रेजुएट, मानव शिक्षक ग्रेजुएट, सिंपल सा फंडा है, टीचर और ग्रेजुएट जो हम ह्यूमन बीइंग ही होते हैं, कुत्ता बिल्ली ग्रेजुएशन नहीं करते, कुत्ता बिल्ली ग्रेजुएशन नहीं करते, टीचर्स और ग्रेजुएट दोनों ह्यूमन बीइंग है, यानी कि दोनों मानव में तो जाएगा ही जाएगा। अब दोनों मानव में जाएगा तो ये ऑप्शन तो खत्म, ये दो ऑप्शन तो खत्म भाई, ठीक है। एक ही कमेंट को बार बार कमेंट मत किया करो, पढ़ लेता हूं मैं, जवाब बाद में दे देता हूं, टेंशन ना लो, पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान रहता है मेरा, कमेंट पे कम, ठीक है। दोनों ये ऑप्शन तो खत्म। अब शिक्षक जो है ग्रेजुएट, अब आप कहोगे सर कोई टीचर है वो ग्रेजुएट तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ग्रेजुएशन के बगैर भी टीचर बना जा सकता है, ग्रेजुएशन के बगैर भी टीचर बना जा सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर टीचर ग्रेजुएट होगा ही होगा, तो कुछ टीचर ग्रेजुएट होंगे कुछ टीचर ग्रेजुएट नहीं होंगे। अब सुनो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, किसी क्वेश्चन में अगर आप फंस जाओ तो पतली गली से कैसे निकलना है, पतली गली कंसेप्ट हर चैप्टर में सीखेंगे आगे से, पतली गली कंसेप्ट, ठीक है, पतली गली से कैसे निकलना है। ये तो पता चल गया कि दोनों मानव हैं, तो ये दो ऑप्शन तो खत्म। मान लो टीचर और ग्रेजुएशन के बारे में नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों अलग अलग हों, कि टीचर अलग है ग्रेजुएशन अलग है, मैं पढ़ा रहा हूं टीचर हूं ग्रेजुएट हूं, है ना, तो ये पता चल गया कि ये ऑप्शन नहीं है, तो पतली गली कंसेप्ट ये बोलता है कि नॉलेज ना होने से भी आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट, हर चैप्टर में सिखाऊंगा मैं आपको पतली गली कंसेप्ट, नया कंसेप्ट जनरेट करते हैं आज से। पिछली क्लास में भी तो हमने पैटर्न ढूंढना नहीं अल्फाबेट टेस्ट में और आंसर निकल रहे थे, पैटर्न ढूंढना नहीं आंसर ढूंढना नहीं आंसर निकल रहे थे। चलो, स्नेक लिजार्ड रेप्टाइल, सरीसृप नहीं आएगा, रेप्टाइल होंगे रेंगने वाले जीव जंतु, रेंगने वाले जीव जंतु, रेप्टाइल होते हैं रेंगने वाले जीव जंतु। रेंगने वाले जीव जंतु, ठीक। अब सुनो देखो सिंपल सा फंडा है, स्नेक अलग है, लिजार्ड अलग है, सांप अलग है, छिपकली अलग है। पहले उन दो के बारे में सोचो जिनके बारे में आपको पता है, स्नेक अलग है, लिजार्ड अलग है, सांप अलग है, छिपकली अलग है, दोनों अलग अलग हैं। अब दोनों अलग अलग हैं तो ये ऑप्शन गया, ठीक। उसके बाद रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं बच्चे, दोनों दोनों रेप्टाइल्स हैं, स्नेक एक रेंगने वाला जीव जंतु, छिपकली भी एक रेंगने वाला जंतु। देखो बच्चे, स्नेक, लिजार्ड, टॉर्टोइस भी, कछुआ भी रेंगने वाले जीव जंतुओं में आ जाता है, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल वो भी रेंगने वाले जीव जंतुओं में आता है, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ ये सब रेंगने वाले जीव जंतुओं में आता है। सर अल्फाबेट सीरीज योर बेस्ट वर्क, सारी वीडियोस देखो बच्चे, हर वीडियो में आपको डिफरेंट कंसेप्ट मिलेगा कि डिफरेंट तरीके से कैसे सोचना है। तो दोनों रेंगने वाले जीव जंतुओं में आते हैं तो दोनों 100% जाएंगे, तो ये ऑप्शन गए और कुछ परसेंट वाला ऑप्शन गया, डी इज द राइट आंसर।
डी, बिल्कुल सही। ठीक, नेक्स्ट। 10 का बी होगा। नहीं बच्चे, 10 का बी नहीं होगा। ग्रेजुएट और टीचर, कुछ ग्रेजुएट टीचर हो सकते हैं, कुछ ग्रेजुएट टीचर ना भी हों। कुछ ग्रेजुएट टीचर हो सकते हैं, कुछ ग्रेजुएट टीचर ना भी हों। ठीक है, नेक्स्ट। गाय जानवर बकरी, बकरी अलग और गाय अलग, इतना तो पता है। राम राम वीर राठे भाई। बकरी अलग और गाय अलग, सिंपल सा फंडा है भाई। गाय अलग, बकरी अलग, दोनों अलग अलग तो होंगे। दोनों अलग अलग होंगे तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। पतली गली कंसेप्ट ये बोलता है कि बी और डी ऑप्शन खत्म। ठीक है, उसके बाद गाय अलग, दोनों जानवर में आते हैं, दोनों जानवर में आते हैं, तो दोनों जानवर में आते हैं, तो सी गया। ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। सतीश, सौरव, अमरेश, वीर, कोमल, प्रथा, देवीदास, मोहिनी, अमृतेश, राज, सतीश, सचिन, अरविंद, लक्ष्मी, राधिका, पुष्पेंद्रा, बहुत बहुत बढ़िया भाई, सबका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट वुड, बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट वुड, भवन निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी। देखो बच्चे, सीमेंट अलग है, लेकिन सीमेंट अलग है और लकड़ी अलग है। सीमेंट अलग है, लकड़ी अलग है, दोनों अलग अलग तो होंगे। ठीक है, और सीमेंट कंप्लीटली बिल्डिंग मटेरियल है। अब दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग तो होंगे। सीमेंट जो है कंप्लीटली 100% बिल्डिंग मटेरियल में आएगा। लकड़ी बिल्डिंग मटेरियल में आए ना आए, क्योंकि जरूरी नहीं, लकड़ी कुछ परसेंट आ सकती है, कुछ परसेंट नहीं भी आ सकती। लकड़ी ये वुड है, ठीक, ये सीमेंट है, ये बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है, सीमेंट कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके भवन निर्माण सामग्री में। लकड़ी डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। इसका आंसर गलत हो गया आप लोगों का। लकड़ी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। भाई सारी लकड़ी मैटरी कंप्लीटली डिपेंड थोड़ी ना है। ऐसी ये वो वुड है जो बिल्डिंग बनाने के काम नहीं आई, ये वो वुड है जो बिल्डिंग बनाने के काम नहीं आई। अब सुनो, उसके बाद इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, लिख लो, इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में तो है बट अगर हटा दूं, अगर हटा दूं, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, तो फिर लकड़ी को हम कंप्लीटली बिल्डिंग मटेरियल में मान लेंगे कि दुनिया की सारी लकड़ी बिल्डिंग मटेरियल में ही आ गई। फिर उसने उन लकड़ियों की बात की है जो बिल्डिंग बनाने के काम आती हैं, बस उन लकड़ियों की बात की है जो बिल्डिंग बनाने के काम आई है। फिर हम प्रेफरेंस किसको देंगे? बी को। अगर डी हटा दें तो प्रेफरेंस किसको देंगे? बी को। जब तक डी जिंदा है तो डी आंसर है। और ऐसा किया है एसएससी ने, आजकल ऐसा ही कर रहा है कि जो आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है। और बच्चा कंफ्यूज, बच्चा आकर के मेरे से पूछता है, गुरुजी मैंने तो ये आंसर दिया, नहीं ये आंसर बनाया, ये ऑप्शन में ही नहीं था। तो ऐसे केस में फिर आपको तीन ऑप्शन गलत ढूंढने होते हैं। नेक्स्ट बताओ भाई, जल्दी बताओ। इलिटरेट, अनपढ़, पुअर पीपल, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार, ठीक, गरीब लोग, बेरोजगार, अनपढ़। अब सुनो, गरीब लोग, बेरोजगार, अनपढ़। बेरोजगार जो है अनपढ़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और बेरोजगार गरीब भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो गरीब लोग कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते। अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार कुछ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इलिटरेट, अनपढ़ कुछ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ये वो है जो सिर्फ गरीब है, लेकिन गरीब है, अनएम्प्लॉयड नहीं है। अब आप कहोगे सर गरीब अनएम्प्लॉयड कैसे हो, जब कोई भी रोजगार है वो गरीब कैसे? क्यों भाई, रोजगार तो छोटा भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। सेम उसी प्रकार से अनपढ़ भी हो सकता है। कई बच्चों के माइंड में ये आता है कि सर जो गरीब नहीं है, अमीर है, वो तो बेरोजगार होंगे ही ना, कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन
जरूरी नहीं कि वो बेरोजगार ना हो, क्या पता नहीं ठल्ले बाप के पैसे उड़ा रहे हो, मौज कर रहे हो। नेक्स्ट, मछलियां सांप पक्षी, फिशेज स्नेक्स बर्ड्स। अब सिंपल सी बात है, स्नेक अलग है ना, फिशेज अलग, मछलियां अलग, पक्षी अलग, इनमें से कोई भी पक्षी नहीं है, पक्षी अलग, इनमें से कोई भी पक्षी नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। तीनों अलग अलग है जिनका आपस में कोई लिंक नहीं है, और आपस में लिंक नहीं है तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब हम सीखते हैं, यहां तक तो थोड़ी आपकी बेसिक नॉलेज स्ट्रांग हो गई होगी। अब हम सीखते हैं बदलाव कर करके एक क्वेश्चन को डिटेल में, कि अगर ये हो जाए, वगर ये हो जाए, इसके साथ ये दे दे, इसके साथ वो दे दे, ऐसे सीखना चाहते हो? बोलो यस और नो। क्वेश्चन को बदल करके पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, फिर हम उसी क्वेश्चन में बदलाव करेंगे, उससे और ज्यादा डेप्थ नॉलेज बढ़ेगी। चलो देखो, कबूतर पक्षी कुत्ते, कबूतर पक्षी कुत्ते, कबूतर जो है पक्षी तो है, कबूतर पक्षी तो है, कंप्लीटली तो जाएगा, तो पतली गली कंसेप्ट ये बोलता है बी और सी तो गया। कुत्ता अलग है, कुत्ता जानवर है, कुत्ता अलग है, कुत्ता जानवर है, तो अलग है तो डी ऑप्शन गया, तो ए इज द राइट आंसर। अब सुनो, इसमें और बदलाव करते हैं, इसमें एक और बदलाव करते हैं। मान लो इसी में एनिमल और दे देता, इसी में एनिमल और दे देता, पशु वर्ड और ऐड कर देता, बदलाव कर देता, पशु वर्ड और ऐड कर देता, तो फिर क्या होता? फिर हम पिजन को पक्षी में रखते, और इसको इसको डॉग को एनिमल में रखते, लेकिन एनिमल और बर्ड्स अलग अलग रहते, एनिमल और बर्ड्स अलग अलग रहते। अगर बदलाव कर देता तो यहां जो मैं बना रहा हूं वो है, आंसर पे मैंने टिक कर दिया, इसका आंसर ये है, बदलने के बाद ये है। नेक्स्ट, सीमेंट ईट अभी आया था, देखो इतना बदलाव करता है, अभी थोड़ी देर पहले क्या आया था, लकड़ी सीमेंट और भवन सामग्री, अब एक शिफ्ट में वो मॉर्निंग शिफ्ट में आया होगा, ये इवनिंग शिफ्ट में आएगा, किसी और शिफ्ट में ये कर दिया, किसी और शिफ्ट में सीमेंट ईट भवन निर्माण सामग्री। अब देखो, सीमेंट ईट भवन निर्माण सामग्री, यहां बहुत दिमाग वाली बात है, कई आंसर माइंड में आएंगे, पहले आप आंसर रियल ढूंढो, फिर हम बदलाव करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, सीमेंट अलग, ईंट अलग, सीमेंट अलग, ईंट अलग, ठीक है, ईंट ब्रिक्स। अब कई बच्चों के माइंड में क्या क्या आएगा वो सुनो, दिमाग खोलता हूं मैं आपका। कई बच्चों के माइंड में आएगा कि सर सीमेंट की ईंट बनी हो तो, सीमेंट की ईंट अगर बनी तो वो भी तो कुछ परसेंट डिपेंड किया ना, तो कुछ ऐसी ईंट भी है जो सीमेंट से बनी हुई है, तो कुछ ऐसी ईंट भी है जो सीमेंट से बनी हुई है, तो आपने सीमेंट और ब्रिक्स को रखा, तो सीमेंट और ब्रिक्स को ऐसे क्यों नहीं रखा आपने, ये क्यों नहीं सोचा कि सीमेंट ये वो सीमेंट है जिसकी ईंट नहीं बनी, ये वो ब्रिक्स है जो सीमेंट की नहीं बनी, बट ये वो ब्रिक्स है जो सीमेंट की बनी है। दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट, ये आप गलत सोच रहे हो, वहम आपका, क्योंकि कोई चीज बनती किस चीज से वो मैटर नहीं करता, बन क्या गई वो मैटर करता है। अगर उसका शेप, उसकी चीज, उसके कंप्लीट एग्जिस्टेंस बदल जाती है तो, कंप्लीट एग्जिस्टेंस बदल जाती है तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे चाय पत्ती से चाय बनती है, चाय पत्ती से चाय बनती है, पानी से भी चाय बनती है, दूध से भी चाय बनती है, लेकिन चाय अलग है, दूध अलग है, पानी अलग है, चाय पत्ती अलग है ना। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन
गैस है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो पानी बन जाएगा। हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों को मिला दिया जाए तो पानी बन जाएगा। केमिकल रिएक्शन होकर के एक नया प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग और पानी अलग। इसी तरीके से कोई चीज बनती किस चीज से वो मैटर नहीं करता, कोई चीज बन क्या गई वो मैटर करता है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, अगर सीमेंट की भी ब्रिक्स बनाई गई हैं तो उसका शेप आकार सारी चीजें बदल गई, उसकी वैल्यू बदल गई, वो एक नया प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो सीमेंट अलग और ब्रिक्स अलग, दोनों सिंपल सा फंडा है, दोनों बिल्डिंग मटेरियल में काम आते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में काम आते हैं। ठीक है, बिल्डिंग भवन निर्माण सामग्री में काम आते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, बिल्डिंग मटेरियल में काम आएंगे। क्लियर है? तो चीजों को डेप्थ लेवल सोचो कि आपके दिमाग में और क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। चलो, एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे डेप्थ लेवल का सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट बताओ। मधुमक्खी है ये, मधुमक्खी कीट, घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई, घरों में जो मिलती है। अब देखो, मधुमक्खी अलग, घरों में मिलने वाली मक्खी अलग, मधुमक्खी अलग, घरों में मिलने वाली मक्खी अलग, दोनों अलग अलग तो होंगे। चारों ऑप्शन में दो अलग अलग बना रखे हैं, और दोनों कीट पतंग में आते हैं, दोनों कीट पतंग में आते हैं, इंसेक्ट्स में आते हैं, दोनों इंसेक्ट में आते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। जय हिंद भाई, जय हिंद। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो इसी में एक और ऐड कर देता, कीट पतंग में आते हैं, ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, इसके साथ साथ कुछ और ऐड कर देता, मॉस्किटो ऐड कर देता, मच्छर ऐड कर देता, तो वो भी इंसेक्ट में आ जाता, वो भी इंसेक्ट में आ जाता। ठीक है, इंसेक्ट में ही हम उसको, कीट पतंग में ही हम उसको मानते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। राष्ट्र, राज्य, जिला, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन। डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट में होते हैं, और स्टेट में जो है, स्टेट जो है नेशन में होते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्टेट में होते हैं और स्टेट नेशन में होते हैं, स्टेट नेशन में होते हैं। ठीक है, राष्ट्र में होते हैं, जिला राज्य के अंदर होता है, और राज्य राष्ट्र के अंदर होता है। बी इज द राइट आंसर। हर क्वेश्चन में नई चीज ऐड नहीं कर सकते, जैसे इस क्वेश्चन में क्या और नया ऐड करें, कुछ नया ऐड कर ही नहीं सकते, तो इसका तो आंसर होगा। जिसमें हम बदल सकते हैं ना, जिसमें हम बदल सकते हैं उसको को बदलेंगे। नेक्स्ट बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन कल की क्लास में कराऊंगा। बताओ, ये लाया भी इसीलिए था ताकि आपको बता सकूं कि कल की क्लास में इस टाइप के भी होंगे और भी खतरनाक क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट, बर्ड्स क्रो ईगल, पक्षी कोवा बाज, कोवा अलग, बाज अलग, कोवा अलग, बाज अलग, दोनों पक्षी होते हैं, कोवा अलग, बाज अलग, दोनों पक्षी होते हैं। इसमें कोई एक पशु और दे देता, मान लो कोई भी पशु दे देता, ठीक है, इसमें पशु दे देता, मान लो मैन दे देता। अब देखना, अब आपका गलत होगा। ठीक है, सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, हाँ बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल। ठीक है, मैन व्यक्ति दे देता, या ह्यूमन बीइंग दे देता, और उसके साथ साथ एनिमल बोल देता। तो सिंपल सी बात है, एनिमल और ऐड कर देता, पशु और ऐड कर देता। अगर मान लो इसी के साथ मैन और ऐड कर देता, तो मैन बर्ड से तो अलग बनता, मैन बर्ड से अलग बनता। ठीक है, एनिमल मान लो एक ऑप्शन ऐसा दे देता, एनिमल ये ऑप्शन दे देता। बताओ ये ऑप्शन सही है कि गलत है, यस और नो? ये ऑप्शन गलत है कि सही है, यस और नो? जल्दी से बताओ। मैं मैन और एनिमल ऐड करने के बाद ये ऑप्शन सही है कि गलत है, मैन और एनिमल, यस और नो? मतलब सही है या गलत है कमेंट कर दो। सही है तो यस, अदरवाइज नो। सही है ये ऑप्शन तो यस, अदरवाइज नो। हाँ करवाऊंगा भाई, तगड़े वाले भी करवाऊंगा, सत्यापन लिया कमेंट। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग ना तगड़े वाले करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा बदल करके जो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उससे डेप्थ लेवल की नॉलेज बढ़ेगी। सही है, सही है, यस यस यस। सत्या प्रकाश, आप सत्या साहित्य साहित्य, आप जवाब दो इसका। आप तगड़े वाले चाहते हो, आप जवाब दो इसका, सही है या गलत है। यस 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 यस, सबका कमेंट यस। वाह यार, कितने प्यारे बच्चे हो आप मेरे। सत्या के का वेट कर रहा हूं मैं जल्दी से। रोंग रोंग रोंग, यस यस सही। सत्या ने जवाब ही नहीं दिया। तगड़े वाले करवाओ जो बोल रहा था। आ जाओ भाई, यूपीएससी हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। सही है। देखो अब यही एक वहम है, हम फाउंडेशन नींव मजबूत नहीं करते और हम सोचते हैं 10वीं मंजिल पे पहुंच जाएं। ये जो YouTube के थ्रू प्रमोट किया गया ना, जैसे मैथ्स में प्रमोट किया गया, कैट 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 के क्वेश्चन आगे, कैट के क्वेश्चन आगे, कैट कोई हो, कैट के क्वेश्चन आगे। अबे कैट के क्वेश्चन आगे, कैट के क्वेश्चन देखे भी हैं? कैट के क्वेश्चन इतने खतरनाक होते हैं क्यों? क्योंकि आपके माइंड में जब तक ये नहीं जाएगा ना, हाई लेवल हाई लेवल हाई लेवल, तब तक आप पढ़ने की पसंद ही नहीं करोगे। और सत्य प्रकाश ने कहा तगड़े वाले करवाओ, और उसने कहा ये सही है, बहुत बढ़िया। ह्यूमन बींग इज ए एनिमल, मनुष्य जानवर की कैटेगरी में आता है, ये गलत है। क्योंकि बेसिक नॉलेज नहीं सीखना चाहते ना, बेसिक नॉलेज सीखते नहीं हो, इसलिए एग्जाम में गलत हो जाता है ना। ये गलत है भाई, 100% रॉन्ग है। ह्यूमन बींग एनिमल है, मनुष्य जानवर की कैटेगरी में आता है। वी ऑल आर एनिमल, हम सब जानवर की कैटेगरी में आते हैं, जानवर की कैटेगरी में आते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ह्यूमन बींग इज ए सोशल एनिमल। बच्चे सोशल एनिमल है, सोशल एनिमल का मतलब क्या है? वो एनिमल जो सोसाइटी से जुड़ा है। हम जानवर हैं ये थोड़ा हमें बुरा लगने लग जाता है, इसलिए एक नया वर्ड लॉन्च कर दिया, सोशल एनिमल। लोग हो जाओ खुश, हाँ सोशल एनिमल बढ़िया है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है तो एनिमल ना। सोशल वर्ड ऐड करने से क्या आपको मतलब कोई उपाधि मिल जाएगी? हम पशुओं की कैटेगरी में आते हैं, और हम पशुओं की कैटेगरी में आते हैं तो ये गलत है। मैन जो है पशुओं की कैटेगरी में आएगा। और सबका कमेंट था यस, इवन जो ये कह रहे थे हाई लेवल उनका भी कमेंट था यस। ठीक, तो ये है सही, मैन जो है एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको अगर पूरे के पूरे मार्क्स लेने हैं ना, तो हाई लेवल लो लेवल मीडियोटर लेवल एवरेज लेवल ये सब खत्म करो, हर लेवल पढ़ के जाओ। क्योंकि कई बार बेसिक और आसान क्वेश्चन जल्दी गलत करवाते हैं, बेसिक और आसान जल्दी गलत करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हाई लेवल तो आप तैयार करके जा रहे हो, तो आपका गलत हो ही नहीं सकता। तो आपका गलत कौन सा होगा जो आसान है? क्योंकि उसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो मैं बहुत सोच समझ के लेकर के आया हूं कि कौन सा क्वेश्चन गलत होगा बच्चे का, और जो मैं बदल रहा हूं ना वो सीखो, मजा आएगा बदलने से। आ जाओ, पीपल वोमेन मदर्स, वोमेन जो है पीपल की कैटेगरी में तो आएगा। पीपल में तो मैन और वोमेन दोनों आते हैं, मैन और वोमेन दोनों आते हैं, तो वोमन पीपल की कैटेगरी में तो आएगा। अब मदर्स सुनो, माता, माँ तो वोमेन की कैटेगरी में ही आएगी। फादर बोल दिया तो इट मींस मैन की कैटेगरी में आएगा। ब्रदर बोल दिया तो मैन की कैटेगरी में आएगा। अंकल बोल दिया तो मैन की कैटेगरी में आएगा। सन बोल दिया तो मैन की कैटेगरी में आएगा। बेटा है तो आदमी की कैटेगरी में आएगा। ऐसी मदर बोल दिया तो वोमेन की कैटेगरी में आएगा। सिस्टर बोल दिया तो वोमेन की कैटेगरी में आएगा। डॉटर बोल दिया तो वोमेन की कैटेगरी में आएगा। चाची बोल दिया, आंटी बोल दिया तो वोमेन की कैटेगरी में आएगा। मदर जो है वोमेन की कैटेगरी में तो जाएगा ही जाएगा। मदर जो है वोमेन की कैटेगरी में जाएगा ही जाएगा। और वोमेन जो है लोगों की कैटेगरी में जाएगा ही जाएगा। वोमेन जो है लोगों की कैटेगरी में जाएगा ही जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। इसी में वो ऐड कर देता मैन, इसी में वो ऐड कर देता मैन, आदमी और ऐड कर देता व्यक्ति, और आदमी और ऐड कर देता मैन, ऐड कर देता। अब सुनो, अगर वो ये ऐड कर देता तब क्या सोचते? मदर जो है वोमेन की कैटेगरी में जाएगा ही जाएगा। मदर वोमेन की कैटेगरी में जाएगा जाएगा। माँ है तो इट मीन्स वोमेन, महिला तो है ही। ठीक है, और मैन अलग होगा वोमेन से, और दोनों लोगों की कैटेगरी में जाएंगे, दोनों लोगों की कैटेगरी में जाएंगे, तब ये आंसर होता। अगर बदल देता तो ये आंसर होता।
बोलो यस और नो। तो ये जो बदल करके समझा रहा हूं इसमें कितना मजा आ रहा है ये बताओ। चलो हर डेप्थ लेवल तब बढ़ेगी बच्चे, हर बुक में कितनी प्रैक्टिस कर लो, हर यूट्यूब चैनल पे कितनी प्रैक्टिस कर दो कर लो, ऐसे पढ़ाया जाता है। इसका आंसर ये होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बदल दिया तो सोचो क्या क्या होगा। राम राम भाई निखिल गुप्ता, नाम निखिल गुप्ता ने निखिल सिंह राजपूत। नेक्स्ट, चलो बॉयज स्टूडेंट एथलीट, बॉयज स्टूडेंट एथलीट, लड़का छात्र एथलीट, सारे लोग वोमेन थोड़ी ना होते हैं। एक बच्चे ने बोला, मैं कब कह रहा हूं सारे लोग वोमेन होते हैं, मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला मदर जो है वो सारी मां है, नहीं वो मां है नहीं, मदर जो है वो सारे वोमेन है, मदर जो है वो सारी वोमेन है, ठीक है, मदर वोमेन है और वोमेन सारी लोगों में आती हैं, सारे लोग वोमेन नहीं हुए, सारे लोग वोमेन नहीं हुए, सारी वोमेन लोगों में आई है, वोमेन कंप्लीटली डिपेंडेंट है पीपल पे। एक सेकेंड, ये आएगा, ये वोमेन कंप्लीटली डिपेंडेंट है पीपल पे, पीपल कंप्लीटली थोड़ी ना है, ये जो पीपल बच गए, ये जो एरिया बच गया ये वोमेन से बाहर है, यानी कि मैन के लिए बच गया, समझ गए। चलो इसमें लड़का छात्र एथलीट, बॉयज स्टूडेंट हो भी सकते नहीं भी हो सकते, स्टूडेंट बॉयज हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बॉयज स्टूडेंट हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो कुछ परसेंट तो रहेगा ही रहेगा, तो कुछ परसेंट एरिया तो रहेगा ही रहेगा, कुछ परसेंट वाला एरिया रहेगा तो 100% वाला एरिया तो हटा दो, ठीक है। अब कई बच्चों के माइंड में पता क्या आएगा, सर जी छात्र बोला है, लड़की को तो छात्रा बोलते हैं, लड़की को तो छात्रा बोलते हैं, छात्र बोला है, इसका मतलब वो लड़का ही है। ना ना भाई, छात्रा की इंग्लिश क्या होती है, स्टूडेंट ही बोलते हैं ना, इंग्लिश में मानो ना, ठीक है, चलो इंग्लिश में मानो। तो सिंपल सी बात है, पतली गली कंसेप्ट बोल रहा है, बी और डी गलत, तो पतली गली कंसेप्ट जरूर माइंड में रखा करो भाई। चलो अब उसके बाद एथलीट, एथलीट हो भी सकते नहीं भी हो सकते, स्टूडेंट भी हो सकते नहीं भी हो सकते, बॉयज भी हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो कुछ परसेंट जाएगा, कुछ परसेंट जाएगा तो सी ऑप्शन खत्म, और 100% की वजह से ही सी ऑप्शन खत्म हो चुका था, ये 100% दे रखा था वो ध्यान ही नहीं दिया, तो पतली गली कंसेप्ट से तो ए आंसर पहले ही आ चुका, ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही जवाब है, ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब इसके साथ साथ मान लो कोई एक और प्रोफेशन दे देता, अब बदलते हैं, बदलाव, इसके साथ साथ एक और प्रोफेशन दे देते हैं, मान लो कोई भी प्रोफेशन दे दिया, इंजीनियर बोल दिया, इंजीनियर बोल दिया, अब क्या रहेगा, कुछ परसेंट रहेगा, कैसे रहेगा, अब देखो सिंपल सी बात है, बॉयज स्टूडेंट भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है, ऐसे ही एथलीट भी हो सकते हैं, ऐसे इंजीनियर एक और प्रोफेशन दे दिया तो वो भी कुछ परसेंट में जाएगा, जो सबके साथ कुछ परसेंट बनेगा, जो सबके साथ कुछ परसेंट बनाता हुआ चलेगा, जो सबके साथ बनाएगा कुछ हिस्सा, यानी कि एक और वेन डायग्राम जो इन सबके साथ कुछ परसेंट बनाता हुआ चलेगा, सबके साथ कुछ परसेंट बनाता हुआ चलेगा, ठीक है। इंजीनियर एक लड़का है जो इंजीनियर है, स्टूडेंट है, एथलीट है, कईयों के मन में आएगा सर जी स्टूडेंट इंजीनियर है तो स्टूडेंट तो होगा ही ना, वो लड़का है तो पढ़ रहा होगा भी, क्यों भाई उसने पास आउट कर लिया, है तो लड़का, इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा है और साथ में एथलीट भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कीबोर्ड फंक्शन की, लेटर की, लेटर की और फंक्शन की अलग होते हैं, फंक्शन की बच्चे ऊपर जो F1, F2 कीबोर्ड अगर आपने देखा होगा तो ऊपर जो लिखे होते हैं ना F1, F2, F3, F4 वो होते हैं फंक्शन की, और लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं
एक बच्चे ने कमेंट किया, सर इंजीनियर एथलीट नहीं हो सकते क्योंकि एथलीट बनने, हाँ साउंड आ गई आ गई आ गई, साउंड आ गई। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर इंजीनियर एथलीट नहीं हो सकते क्योंकि एथलीट बनने के लिए बचपन से प्रैक्टिस करनी होती है ना, तो इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। ये एक मन का वहम है, ठीक। क्या इंजीनियरिंग कॉलेज से, कॉलेज की तरफ से एथलीट नहीं खेला जाता? आपने एजुकेशन में क्या की है, एजुकेशन में क्या किया, ये कोई मैटर नहीं करता। आप कभी भी एथलीट्स बन सकते हो, ठीक है। इंजीनियरिंग के टाइम कॉलेज की तरफ से गए, फिर आप स्टेट लेवल पे खेले, फिर आप नेशनल लेवल पे खेले, फिर आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी ले आए और एथलीट बन गए, और आप इंजीनियर भी हो, डिग्री आपके पास इंजीनियर की है ना। तो कोई भी प्रोफेशन ना, कभी भी इंसान कभी भी कुछ भी बन सकता है, ठीक। जैसे सुशांत सिंह राजपूत इंजीनियर थे, सुशांत सिंह सर राजपूत इंजीनियर थे, तो इंजीनियरिंग की, उसके बाद एक्टर बन गए। ये एक एक्टर का प्रोफेशन बोला मैंने, किसी का भी प्रोफेशन, सारे प्रोफेशन कॉमन होते हैं, बस दो प्रोफेशन अलग होते हैं, बस सिर्फ दो प्रोफेशन, सारे प्रोफेशन कॉमन रहते हैं, सिर्फ दो प्रोफेशन अलग रहते हैं, वो होता है डॉक्टर और इंजीनियर। क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर 10th क्लास के बाद ही डिसाइड हो जाता है कि अगर आप नॉन मेडिकल लोगे तभी आप इंजीनियर बन सकते हो, आप मेडिकल लोगे तभी आप डॉक्टर बन सकते हो, 10th के बाद ही डिसाइड हो जाता है अलग अलग लाइन। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा कि पहले 10th की 12th की नॉन मेडिकल लिया, कंबाइन भी लिया, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के बाद बोला ना मैं तो अब डॉक्टर बनूंगा, ऐसा कर भी नहीं सकता। सिर्फ दो प्रोफेशन अलग होते हैं, इंजीनियर और डॉक्टर, बाकी सारे प्रोफेशन सेम होते हैं। टीचर एक्टर बन सकता है, एक्टर डायरेक्टर बन सकता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन सकता है, प्रोड्यूसर एथलीट्स बन सकता है, एथलीट्स फिर कोई भी प्रोफेशन बन सकता है, एथलीट इंजीनियर भी बन सकता है। अब आप कहोगे सर वो एथलीट बन गया तो इंजीनियर क्या करेगा? अरे भाई एथलीट बनने के बाद भी कईयों की सिचुएशन ऐसी है, नेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाए, स्टेट लेवल ही जीते थे, एथलीट थे, फिर छोड़ दी, फिर इंजीनियरिंग की जॉब करने लग गए। डेप्थ लेवल सोचो, क्लियर भाई? चलो, इसके साथ पक्षी दे देता तो हेन को हम पक्षी की कैटेगरी में रख लेते हैं। आ जाओ, इस टाइप के तो हम बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन तो हम, टाइम रहेगा तो लास्ट तक बने रहोगे तो आज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है, 10 बजे तक का टाइम है हमारे पास, तो आज भी मैं समझा सकता हूं ये, मैं इस टाइप के क्वेश्चन, ध्यान रखना। आ जाओ, सन मून मॉलिक्यूल, सन अलग चंद्रमा अलग, सन अलग चंद्रमा अलग, अब लगाओ दिमाग, दोनों अलग अलग तो हैं ही, देखो बच्चे मॉलिक्यूल जो है वो भी अलग रहेगा, नो डाउट। हम बहुत ही ज्यादा भी किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है, नो डाउट। एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से सब्सटेंस बनते हैं, और सब्सटेंस से फिर जा करके बनता है। तो आप कहोगे कि डेप्थ लेवल अगर सोचें तो एटम मॉलिक्यूल इन्हीं से तो सब कुछ बना है, तो सन भी इन्हीं से बनी होगी, मून भी इन्हीं से बना होगा, तो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करना होगा। नहीं, मॉलिक्यूल एक अलग साइंटिफिक टर्म है, मॉलिक्यूल एक अलग साइंटिफिक टर्म है, ठीक है। तो इसको अलग मानेंगे हम, सन और मून के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, एटम मॉलिक्यूल दे दे तो एटम को मॉलिक्यूल के अंदर मानेंगे, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट कॉलेज स्कूल, आए हाय बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इसको मैं बदलूंगा, एक ऐसा आप क्वेश्चन बनाऊंगा इसको मैं बदल करके। पहले तो इसका जवाब दो जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या टीचर्स ने भी गलत पढ़ाया है, अभी बदलूंगा देखना। स्टूडेंट कॉलेज स्कूल, कॉलेज अलग है, स्कूल अलग है, ठीक है, कॉलेज अलग है, स्टूडेंट अलग है, ठीक है। अब स्टूडेंट दोनों में हो सकते हैं, स्टूडेंट दोनों में हो सकते हैं, ये स्टूडेंट है, ये स्कूल है, और ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, ठीक। तो बी इज द राइट आंसर,
अब सुनो, बदल करके क्या पूछने वाला हूं आपसे। एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, इसमें नहीं अलग ही पूछ लेता हूं। एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट टीचर और स्कूल, आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत कंफ्यूजन हुआ था, ये क्वेश्चन आया तो इसलिए मेरे माइंड में ये आया। अब यस और नो का जवाब दोगे, स्टूडेंट टीचर स्कूल, दिस इज द राइट आंसर, यस और नो, यस और नो, जल्दी से कमेंट करो यस और नो, दिमाग है तो, दिस इज द राइट आंसर यस और नो, जल्दी से कमेंट करो, दिमाग है तो, ठीक है। और लाइक कर दो भाई जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से इस क्वेश्चन से रिलेट मैं करूंगा, ठीक है। एक और मैं बना देता हूं आपके लिए, पहले पहले का जवाब दो, लो यस नो नो, यस यस भी बोल रहे हैं, नो भी बोल रहे हैं। अब आप चारों ऑप्शन में से जवाब दे दो, चारों ऑप्शन में से जवाब दे दो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब चारों बना दे दो, चारों में से जवाब दे दो, दिमाग तभी खुलेगा जब आप सोचोगे। बी 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 बी, बी सी 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 सी, बी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, वाओ वाओ मजा आ गया। अब सुनो, सी इज द राइट आंसर। पहले सोचो स्टूडेंट और टीचर के बारे में, स्टूडेंट और टीचर के बारे में, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर के बारे में, क्या स्टूडेंट टीचर हो सकते हैं? पहले सोचा हमने स्टूडेंट और टीचर, छात्र और अध्यापक के बारे में सोचा, क्या स्टूडेंट टीचर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं? अब आप कहोगे हाँ हो भी सकते हैं, सर मैं पढ़ा भी रहा हूं और पढ़ भी रहा हूं, मैं पढ़ भी रहा हूं और मैं पढ़ा भी रहा हूं, मेरे मोर देन 50 स्टूडेंट आज टीचर बन चुके हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहे हैं, जिनसे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, उन्होंने मेरे से सीखा, सिखाने लग गए। अब सिंपल सा फंडा, एक बात सोचो यार, स्टूडेंट पढ़ भी रहे पढ़ा भी रहे, मैं भी आज पढ़ रहा हूं और मैं पढ़ा भी रहा हूं, तो कुछ परसेंट जाएगा? ये आपकी सोच गलत है। मैं अगर पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं पढ़ किसी और से रहा हूं, पढ़ा किसी और को रहा हूं, मैं एक ही टाइम पे, ये नहीं है कि मैं स्टूडेंट भी और मैं टीचर भी हूं, उसी से मैं पढ़ रहा हूं और उसी को मैं पढ़ा रहा हूं। अब आप कहोगे सर जी मेरे रूम पार्टनर हैं जो साथ रहते हैं, मैं उसको से पढ़ता भी हूं और मैं उसको पढ़ाता भी हूं, तो उसको पढ़ाते हो, उसकी हेल्प करते हो, आप टीचर नहीं बने हो उसके, आपका रूम पार्टनर है, उससे आप मैथ्स पढ़ते हो, आप उसको इंग्लिश पढ़ाते हो, आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, आप एक दूसरे के टीचर नहीं हो, आप पढ़ते किसी और से हो, टीचर किसी और ने, तो मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं स्टूडेंट किसी और का हूं और टीचर किसी और का हूं, मतलब टीचर आप लोगों का हूं, तो स्टूडेंट कभी टीचर नहीं होते, टीचर कभी स्टूडेंट नहीं होते, तो स्टूडेंट कभी टीचर नहीं होता, टीचर कभी स्टूडेंट नहीं होते, तो अलग अलग तो रहेगा ही रहेगा, अलग तो रहेगा ही रहेगा, तो अपन बात कर लेते हैं, अलग अलग रहेगा, ए गया और डी गया, बी और सी में कंफ्यूजन था, ठीक है। क्या सारे स्टूडेंट स्कूल में ही होते हैं? क्या सारे छात्र स्कूल में ही होते हैं? ना भाई, कॉलेज में भी होते हैं, कोचिंग में भी होते हैं, इंस्टीट्यूट में भी होते हैं, सारे स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट तो नहीं होते ना, तो सारे स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट तो नहीं होते, कुछ होते हैं, कुछ होते हैं, ऐसे क्या सारे टीचर स्कूल में ही होते हैं? नहीं, कुछ होते हैं, तो ये होगा। अब सुनना, एसएससी ने ये आंसर नहीं दिया, एसएससी ने आंसर दिया था बी, ठीक, इसलिए टीचर्स पढ़ाने लग गए बी, और बच्चों ने सीख लिया बी, बुक्स ने दे दिया बी, और बच्चों की नॉलेज होगी बी, जबकि आंसर जाना चाहिए सी, क्योंकि जब एसएससी ने दिया था तब सी ऑप्शन में ही नहीं था,
ये अगर ऑप्शन से हटा दूं, इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, रियल नॉलेज तब होगी आपको। आप अगर 100% नॉलेज सीखना चाहते हो तो ध्यान से सारी वीडियोस देखो। इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, तो उसने हिंट दे दिया कि वो उन्हीं स्टूडेंट की बात कर रहा है जो स्कूल में है, वो उन्हीं टीचर की बात कर रहा है जो स्कूल में है, वो उन्हीं स्टूडेंट की बात कर रहा है जो स्कूल में है, वो उन्हीं टीचर की बात कर रहा है जो स्कूल में है। यानी कि अल्टीमेटली वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, स्कूल स्टूडेंट, स्कूल टीचर और स्कूल, स्कूल स्टूडेंट और स्कूल टीचर और स्कूल, यानी कि वो उन टीचर की, उन अध्यापकों की बात कर रहा है जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो उन्हीं छात्रों की बात कर रहा है जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये ऑप्शन में नहीं है तो ये जाएगा। अब कहोगे सर क्या पता एसएससी दोनों ऑप्शन में दे दे, तब भी ये जाएगा, सॉरी तब भी ये जाएगा, तब आंसर तो यही है, आंसर तो यही है, आंसर तो यही है, एसएससी दोनों ऑप्शन में दे दे तो आंसर यही है। फिर भी एसएससी अगर इसको आंसर देगा क्लेम कर देंगे, टेंशन ना लो, नॉलेज से बढ़ करके एसएससी थोड़ी ना, एसएससी भगवान है, कितने क्वेश्चन का गलत आंसर देती आई है, ठीक है, क्लियर। तो रियल नॉलेज ये है कि ये वो स्टूडेंट है जो स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, ये वो टीचर हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ा रहे जैसे मैं, और ये स्कूल है, ठीक है। जैसे ही आंसर एसएससी ने दिया, बी सब ने पढ़ाना शुरू किया, बी सब ने पढ़ना शुरू किया, बी, और फिर एग्जाम में हो गए बी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया अमृतेश, आपका सही हुआ। तो नेक्स्ट करो अब आप। संगीता आई हैव डाउट, डाउट पूछो। मैन वेजिटेबल खाओ, अरे यार सिंपल है, आदमी अलग सब्जी अलग गाय अलग, कोई मतलब हुआ, पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या पूछ लिया ये मत सोच लेना कि गाय सब्जी खाती है सब्जी मंडी में जाकर के, ठीक है। चलो संगीता डाउट तो पूछो, आई हो डाउट, ये चार बार लिख लिया, डाउट ही लिख दो सीधा। आ जाओ, विस बायो प्रोडक्ट्स भोजन, विस बायो प्रोडक्ट्स भोजन, देखो भोजन जो है ना जहर तो नहीं हो सकता। अब कई बच्चे बोलेंगे सर जी भोजन को कई दिन रख दो जहर बन गया, अरे कई दिन खराब कर दो वो जहर ना बना, मरेगा नहीं कोई, तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है, तबीयत खराब हो सकती है। तो भोजन जो है ना विष नहीं हो सकता, अगर वो इतना ज्यादा सड़ गया गल गया कि वो जहर बन गया तो अब वो भोजन कहाँ रहा, खाने लायक कहाँ रहा, है ना। तो विष अलग, भोजन अलग, पॉइजन अलग, फूड अलग, दोनों अलग अलग तो रहेंगे। अब दोनों अलग अलग रहेंगे तो ये गया, दोनों अलग अलग तो रहेंगे ये गया, ये टच कर रखा है, ठीक है। अब बायो प्रोडक्ट्स, बायो प्रोडक्ट्स फूड जो है बायो प्रोडक्ट होता है या नहीं, एक सेकेंड, फूड जो है बायो प्रोडक्ट होता है या नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, पॉइजन जो है बायो प्रोडक्ट होता है या नहीं। एक्चुअल में ना ए, रुको एक बार, ए को थोड़ा बदलेंगे, ये टच कर दिया, ये टच नहीं होगा, ए जो है टच करने के बाद कुछ परसेंट हो जाता है, ए जो है अलग बना रहा हूं, ये बना दिया ए, ठीक है, ए है, ढंग से बना देता हूं, ये अलग, दो अलग, ठीक है। तो देखो सिंपल सा फंडा है, फूड बायो प्रोडक्ट्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते,
कुछ परसेंट पॉइजन नहीं हो सकते, पॉइजन नहीं हो सकते, ठीक है। कमेंट नहीं, आपका जो डाउट था वो पूछा नहीं आपने। पॉइजन नहीं हो सकते, फूड हो भी सकता, बायो प्रोडक्ट नहीं भी हो सकता, कुछ परसेंट हो सकता है, ठीक है। तो ए जिसने बोला वो सही था। नेक्स्ट, एक सेकेंड, नेक्स्ट। चलो चलो, उसको मैंने जानबूझ के स्किप किया है, लास्ट में बताऊंगा उसका रीजन। देखो, अर्थ सी सन, समुद्र पृथ्वी पे ही होता है और सन अलग। इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। अब जो क्वेश्चन छोड़े थे उनकी बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। जो और भी टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं वो समझा देता हूँ। देखो बच्चे, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना, ठीक है। और कॉम्बो बैच आया है आदित्य रंजन सर का, सुनील जहांगीर सर का और मेरा, तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बो बैच है। और तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बो बैच मात्र 2100 रुपये में है, जिसमें तीनों सब्जेक्ट बड़ी डिटेल में कवर होंगे। मैथ्स की फीस 900 रुपये अकेला मैथ्स लेते हो, इंग्लिश की फीस 900 रुपये अकेला इंग्लिश लेते हो, रीजनिंग की फीस 900 रुपये अकेला रीजनिंग लेते हो, तो 9 या 2700। लेकिन तीनों स्पेशल लेते हो, तीनों स्पेशल लेते हो तो एक साथ परचेज कर लो। 24 मई से बैच है, ठीक है। 2100 रुपये में, इस 2100 रुपये में पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। MD, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। चलो भाई बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो, सारी दुनिया के स्टूडेंट पढ़ो, ठीक है। तो ऑफर कर तो दिया, ठीक है। तो ऑलरेडी ऑफर आपको कर दिया, ठीक। मैंने आपको कहा था जो बच्चा लास्ट तक देखेगा उसको मैं एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, एक ऑफर दूंगा। तो उससे मुझे क्या फायदा होगा, मुझे ये फायदा होगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने इस क्लास से पेमेंट की है। लेकिन वो सिर्फ रीजनिंग में लागू होगी, वो सिर्फ रीजनिंग में लागू होगी। माई जॉब कूपन कोड है, कूपन कोड है माई जॉब, ठीक है, जो कि कल तक वैलिड रहेगा, कल हट जाएगा। तो आपकी रीजनिंग की, अकेली रीजनिंग की फीस 600 की बजाय, सॉरी 900 की बजाय 600 हो जाएगी, 900 की बजाय 600 हो जाएगी। मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने इस क्लास से परचेज किया, क्योंकि आपको ही पता चला है कूपन कोड, और किसी को तो पता चला नहीं, है ना। तो माई जॉब ये सिर्फ रीजनिंग के लिए वैलिड है, मैथ्स में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, कॉम्बो में नहीं है, सिर्फ अकेला रीजनिंग अगर आप परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट। तो आपको फायदा हो जाएगा, 300 रुपये कम हो गए, मुझे फायदा हो जाएगा ये कि इस क्लास से आए हैं, ठीक है, ठीक। लेकिन ये कंबाइन में नहीं है, कंबाइन अगर आप लेते हो तो 2100 रुपये में ही है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, ये जो हमने छोड़े थे मैंने कहा था लास्ट में कराऊंगा, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसमें तो ऑप्शन नहीं है यार, ऑप्शन वाला निकाल के लाता हूं। इनको कैसे सोल्व किया जाता है, आ जाओ। देखो, पहले तो ये कंडीशन जरूर पढ़ना जो कंडीशन दी है, ठीक है। आप कहां से हो, मेरे से पूछ रहे हो, आपस में बात कर रहे हो, चलो देखो, द ट्रायंगल रिप्रेजेंट डॉक्टर, ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर को, ठीक है। त्रिकोण जो है, त्रिकोण नहीं होगा, त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज होगा, त्रिभुज डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सर्कल रिप्रेजेंट प्लेयर, सर्कल प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सर्कल जो है खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद रेक्टेंगल रिप्रेजेंट सिंगर, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट सिंगर। आयत जो है गायकों को रिप्रेजेंट कर रहा है, आयत जो है गायकों को, सिंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब सिंपल सा फंडा, उसके बाद ये देखो, विच रीजन रिप्रेजेंट डॉक्टर हु
अब इसमें कई चीजें बदलूंगा, ध्यान रखना। डॉक्टर हु आर सिंगर बट नॉट प्लेयर, डॉक्टर हु आर सिंगर बट नॉट प्लेयर, यानी कि डॉक्टर हमें ढूंढने हैं। हमें कौन से ढूंढने हैं? डॉक्टर। अब आ जाओ डॉक्टर, डॉक्टर में ढूंढने हैं तो डॉक्टर में ए सी डी, डॉक्टर में ए सी डी, ए सी डी, ठीक, डॉक्टर के अंदर। लेकिन जो गायक नहीं है, नहीं यानी हु आर सिंगर, नहीं हटाओ यहां से, जो गायक है, जो गायक है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, जो कौन है? गायक तो है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, यानी कि डॉक्टर वाले चाहिए। डॉक्टर वाले कौन से आए? ए सी डी। जो गायक है मतलब जो सिंगर भी है, जो सिंगर भी है मतलब रेक्टेंगल में भी आ रहे हैं। रेक्टेंगल में कौन से आ रहे हैं? सी और डी, कट गया। लेकिन प्लेयर नहीं है, प्लेयर नहीं है, प्लेयर नहीं है, प्लेयर नहीं होने चाहिए, और सी रिप्रेजेंट कर रहा प्लेयर को, तो सी कट गया। तो क्या बचा? डी। क्या बचा? डी। ठीक है, अब सुनो, हिंदी में नहीं हटा दियो। अब मान लो वो बट नॉट प्लेयर नहीं देता, बट नॉट प्लेयर नहीं देता, सिर्फ इतना बोलता डॉक्टर हु आर सिंगर, डॉक्टर हु आर सिंगर, बस इतना बोलता कि डॉक्टर जो गायक है, तब क्या जवाब देते? डॉक्टर जब जो गायक है। सर यदि मैं अभी परचेज करूं तो मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगी या लाइव? लाइव मिलेगी, और जो क्लासेज हो चुकी वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको पास्ट क्लास में मिल जाएंगी। लाइव मिलेगी, लेकिन जो क्लास हो चुकी वो आपको पास्ट क्लास में मिल जाएंगी। ठीक है, अब सिंपल सा फंडा है, अगर मैं ये पूछता तो क्या आंसर रहता आपका? तब बच्चे बोल रहे हैं सी आंसर होता, डी आंसर होता, डी आंसर होता, सी आंसर होता। देखो, जिसके बारे में जिक्र नहीं किया है, जिसके बारे में जिक्र नहीं किया है उसको नहीं लिया जाता, जिसके बारे में जिक्र नहीं किया उसको नहीं लिया जाता। डॉक्टर बोला, डॉक्टर लेंगे। जो सिंगर है, जो सिंगर है मतलब अकेले सिंगर है, प्लेयर नहीं है, फिर तब भी यही आंसर होता, डी ही आंसर होता, डी ही आंसर होता। अकेला ये पूछता हु इज रिप्रेजेंटेड, मान लो अकेला पूछता कि डॉक्टर एंड सिंगर, डॉक्टर एंड सिंगर, तो भी डी होता। डॉक्टर एंड प्लेयर पूछता, डॉक्टर एंड प्लेयर पूछता, तो ए आंसर होता। सिंगर एंड प्लेयर पूछता, सिंगर एंड प्लेयर पूछता, तो बी आंसर होता। ठीक है, और ये बोलता डॉक्टर भी है, प्लेयर भी है, सिंगर भी है, तीनों है, तो सी आंसर होता। तो जिसके बारे में नहीं दिया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लीज रिपीट क्वेश्चन। डॉक्टर हु आर सिंगर, वो डॉक्टर जो सिंगर है, तो डॉक्टर है और सिंगर है, तो डॉक्टर और सिंगर कौन कौन से हैं? सी और डी। लेकिन प्लेयर के बारे में जिक्र नहीं है, प्लेयर के बारे में जिक्र नहीं है, तो जिसके बारे में जिक्र ना हो तो उसको भी नहीं लिया जाता, तो सी को भी नहीं लेंगे, तो अकेला क्या बचेगा? डी बचेगा। अकेला क्या बचेगा? डी बचेगा। क्लियर हुआ? ठीक, तो जिसके बारे में जिक्र नहीं है उसके बारे में आंसर नहीं देना, तो सी गलत है, डी बचता। ये लाइन नहीं भी देता तो, नॉट प्लेयर नहीं भी बोलता तो। क्लियर ये चीज? चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल आर, एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड, हाउ मेनी एजुकेटेड आर एम्प्लॉयड, कार्यरत है, इसका कार्यरत आएगा, कार्यरत है। एजुकेटेड पीपल और एम्प्लॉयड का कॉमन लेना है, एजुकेट पीपल और एम्प्लॉयड का कॉमन लेना है।
अब देखो, मैंने अभी अभी जानबूझ के मैंने आपको ये सिखाया था कि ये अभी सिखाया था ना कि जिसके बारे में जिक्र नहीं होता वो नहीं लिया होता, नहीं लिया जाता। लेकिन यही चीज अगर नंबर के फॉर्मेट में हो जाए, नंबर के फॉर्मेट में, वो तो था लेटर्स के फॉर्मेट में, नंबर के फॉर्मेट में अगर आ जाए तो देखो रूरल के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं, तो इन दोनों का कॉमन कितना है, 12 है और 6 है। ठीक है, तो नंबर का ऐसा काम होता है, नंबर का ऐसा काम होता है कि जो कॉमन पार्ट बन जाता है उनका टोटल बन जाता है, जो कॉमन पार्ट बन जाता है उनका टोटल बन जाता है। इसलिए रूरल का लेना जरूरी है, क्योंकि अल्फाबेट में तो हम सी प्लस डी तो बोल नहीं सकते, ऑप्शन तो एक ही देना पड़ेगा ना। यहां टोटल बनता है, नंबर टोटल हो सकते हैं, अल्फाबेट का कोई टोटल नहीं होता, इसलिए नहीं लिया जाता। तो 12 और 6 18। ठीक है, इसी में अगर मैं आपसे पूछता, आंसर देना, इसी में मैं आपसे पूछता एजुकेटेड और रूरल, एजुकेटेड और रूरल, रूरल, तो क्या जवाब देते हैं? एजुकेटेड एंड रूरल। तो एजुकेटेड वाला और रूरल वाला कॉमन पार्ट लेते, 22 और 6 28 होता, 22 और 6 28 होता। अब सुनो, थोड़ा सा बदलाव करेगा, यहां ऐड कर देगा वो ओनली, केवल वर्ड यूज कर देगा, थोड़ा सा बदलाव किया सारा खेल खत्म, ओनली वर्ड यूज कर देगा, ओनली एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड, मतलब अकेले एजुकेटेड और एम्प्लॉयड, मतलब तब रूरल नहीं लेंगे, तब रूरल नहीं लेंगे, तब ऐसे केस में ओनली वर्ड यूज कर दिया। तो थोड़ा सा ध्यान से चलना, ठीक है, थोड़ी सी कुछ टर्मिनोलॉजी अगर गलत पढ़ ली तो सारा खेल बदल जाएगा। ओनली वर्ड यूज कर दिया, तब अकेला, तब हम रूरल नहीं लेंगे, तब क्या आंसर देंगे, 12। तो यह समझने की जरूरत है कि कब टोटल करना है और कब टोटल नहीं करना। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हुआ, 28। क्लियर हुआ ये बात, डन है अच्छे से? चलो तो डन है तो बहुत बढ़िया भाई, क्लियर। और इससे भी और भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बड़े टिपिकल टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ करके देखता हूं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक रिंग, गोल्डन रिंग, मेटल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करेगा आपको, जल्दी से जवाब दो। बताओ कौन जवाब देगा? सर आप कुछ अपने बारे में बताओ, अमरितेश चौधरी, अपने बारे में बताऊं तो अपने बारे में तो जल्दी से कमेंट करो, रिप्लाई करो। क्या आंसर आएगा, देख लिया होगा क्वेश्चन? एक सेकंड, कुछ देखो बच्चे, एक्चुअल में मेरी शुरुआत हुई थी इस दौर से, कभी मेरे पास 2013 की बात है, और 2012 में एज ए कस्टम इंस्पेक्टर मैं सिलेक्ट हुआ था मुंबई, और फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। 2013 में 5 स्टूडेंट से शुरुआत की थी, और धीरे धीरे बहुत जल्द 5 से 6 महीने के अंदर ही ये इस तरीके से हॉल पैक रहता है मुखर्जी नगर, मतलब यहाँ स्टेज है, ये स्टेज के बिल्कुल पास में खड़े हैं स्टूडेंट, बिल्कुल पास में, जगह ही नहीं है, हजारों स्टूडेंट का बैच बनता है मुखर्जी नगर में। ठीक है, हजारों, किसी में 600, किसी में 700, किसी में 500, इस तरीके से स्टूडेंट भरे रहते हैं मेरे बैच में। तो ये है असली मेरा जो दौर है,
ये स्टूडेंट सेलेक्टेड जो स्टूडेंट है वो मेरे साथ सेलिब्रेशन करने आते हैं। सिलेक्शन लेने के बाद आपका भी मैं वेट करूंगा, आप भी सेलिब्रेशन इस तरीके से करने आओगे। बड़े मज़ेदार, जब स्टूडेंट से गिफ्ट मिलते हैं, जब स्टूडेंट से सिलेक्शन होने के बाद गुरुजी आपकी बात मानी और आज इस तरीके से कोई इंस्पेक्टर, कोई यूपीएसआई, कोई दिल्ली पुलिस, जब बच्चों का सिलेक्शन होता है, दिल्ली का एक भी पुलिस स्टेशन नहीं बचा जहां पर मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ। इस तरीके से मुखर्जी नगर का दौर शुरू हुआ और फिर मैं मुखर्जी नगर में ही पढ़ाता रहा और मुखर्जी नगर में लाखों बच्चों को पढ़ाने के बाद अब लॉकडाउन के दौरान आपको पढ़ा रहा हूं और अब मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। चलो आ जाओ। तो इसका जवाब सुन, तो देखो बच्चे माइंड में क्या आता है। माइंड में पहला वर्ड पढ़ते ही ये माइंड में आता है, रिंग जो है सोने की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अंगूठी जो है सोने की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बिल्कुल सच बात है, अंगूठी सोने की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन सोना नहीं बोला मैंने, मैंने बोला गोल्डन रिंग, सोने की अंगूठी। सोने की अंगूठी बन गई तो वो अंगूठी तो है ही ना। गोल्डन रिंग, गोल्डन रिंग 100% रिंग तो है ही, गोल्डन रिंग 100% रिंग तो है। तो सोने की अंगूठी गोल्डन रिंग 100% रिंग तो है, गोल्डन रिंग 100% रिंग है। और अंगूठी जो है, रिंग जो है वो मेटल की ही होती है भाई, धातु की ही होती है। अब आप कहोगे सर जी प्लास्टिक की भी अंगूठी होती है, बचपन में चूर्ण में मिलती थी। प्लास्टिक रिंग इज नॉट ए रिंग, दैट्स ए टॉय, वो एक खिलौना होता है, उसको अंगूठी नहीं बोल सकते। ऐसे तो आप कागज की अंगूठी बना लो, लेकिन प्लास्टिक की अंगूठी को अंगूठी नहीं बोल सकते, वो एक खिलौना है। ऐसे तो मेरे घर पे प्लास्टिक की बीएमडब्ल्यू रखी है ये टेबल पे, तो उसको गाड़ी थोड़ी ना बोलूंगा, वो खिलौना है। ठीक है, प्लास्टिक की अंगूठी अंगूठी होती है या नहीं होती, अगर इसमें थोड़ा सा डाउट है तो किसी को प्लास्टिक की अंगूठी गिफ्ट करके देख लेना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, थप्पड़ पड़ेगा तब। ठीक है, तो प्लास्टिक की अंगूठी अंगूठी नहीं है, डेट्स अ टॉय। तो अंगूठी जो है वो धातु पे ही डिपेंड करती है, धातु पे ही, धातु की ही बनती है। अब कईयों बच्चों के माइंड में आएगी डायमंड रिंग, सर डायमंड नॉन मेटल है और डायमंड रिंग तो वो तो ए धातु की अंगूठी हुई। भाई डायमंड रिंग का नाम डायमंड रिंग है, लेकिन वो डायमंड महंगा होता है, फिट तो मेटल की अंगूठी में होता है, महंगा होता है, करोड़ों में आता है या बहुत महंगा पड़ता है, लाखों में डायमंड रिंग बनती है, तो इसलिए उसको डायमंड रिंग नाम दे दिया। लोहे के अंदर डायमंड फिट करवा दिया तो उसको हम ये बोलेंगे ले लोहे की अंगूठी, ले क्या याद रखेगी तू भी, जा खुश रह। भाई डायमंड लाखों रुपए खर्च करके हीरा खरीदा और फिर बोलते हैं लोहे की अंगूठी दे दी, है ना, तो इसलिए उसको डायमंड रिंग बोल दिया जाता है, होती वो भी धातु की है। तो ए इज द राइट आंसर। तो रिंग कंप्लीटली डिपेंडेंट है गोल्डन रिंग पे। ठीक है, क्लियर? ठीक। तो बच्चों आप लोगों से भी बस मैं यही चाहता हूं, ये जो सपोर्ट और प्यार बच्चों से मिला है ना, ये अब यूट्यूब के इतिहास में आपसे प्यार चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। और ये प्यार कब मिलेगा, जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करोगे। ये इतिहास यूट्यूब पे रचा जा सकता है। मुखर्जी नगर में जब जल लाखों बच्चे पढ़ने आते हैं तो आप तो ऑल ओवर इंडिया में बैठे हो, तो आप तो और भी ज्यादा, ये मेरे को कुछ अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, चलो बाकी डिटेल में मैं फिर बात करेंगे। तो 10 बजे आपकी डेली इंग्लिश की क्लास चलती है, उस इंग्लिश की क्लास में लाइव रहना। रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर लिंक सेंड कर दिया गया है, रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर मैं आज जो पढ़ाया है उसकी पीडीएफ भी अपलोड करूंगा क्लास के तुरंत बाद। तो रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सारे टीचर्स की वीडियो लिंक आती हैं, ठीक है, सारे टीचर्स के पीडीएफ आते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरी डेली 8:30 क्लास होती है, 8:30 अगर कभी पहले क्लास लेनी होती है तो मैं पहले ही लिंक शेयर कर देता हूं। इसलिए विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, साई ब्लेस यू, थैंक यू। और इस वीडियो से जो ज्वाइन करना चाहता है बैच को वो ज्वाइन